हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ प्याज के पकोड़े। देखेंगे किस तरह बनाएंगे, बरसात का मौसम है। देखें झटपट पकोड़े कैसे बनाएंगे। ये हमने बेसन लिया है आधा बाउल, और ये हमने प्याज के लच्छे काट रखे हैं, कुछ मोटे कुछ बारीक, और धनिया लिया हरा, और मिर्ची ली है कटी हुई बारीक, और हींग लिया है, अजवाइन ली है थोड़ी सी, और लाल मिर्ची ली है एक चम्मच, और सौंफ ली है थोड़ी सी, और ये काला नमक और सफ़ेद नमक मिला के लिया है मैंने, तो ये भी डालेंगे हम। झटपट हम इसमें डाल देंगे, सब मसाले भी डाल देंगे। बरसात का मौसम है, पकोड़े खाने की इच्छा होती है, एक ही चीज याद आती है, पकोड़े। तो झटपट हम कैसे बनाएंगे देखेंगे। तो प्रथम तेल गर्म होने रख देते हैं, ये देखिए घोल को हम इस तरह रखेंगे। तेल गरम हो गया, अब हम इसमें दो चम्मच तेल गरम डाल देंगे, इसको हम इसको धीमी धीमी आँच पे सेकेंगे कुरकुरा होने तक। आंच में पूरा होने तक सेकें। ये लीजिए, देखिए कुरकुरे सिक गए हैं अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे, अब हम बारीक वाली प्याज के पकोड़े निकालेंगे। आंच को धीमा करके डालें, ये देखिए थोड़ा तेज कर लें आंच को।
मिनट के भी हम इसको अच्छे से गुलाबी होने तक सेक लेंगे। बरसात में चाय के साथ पकौड़े हों तो क्या बात है, अच्छे लगते हैं बरसात में। ये देखिए सिक्के पकौड़े, इनका हम निकाल देंगे, प्लेटिंग करेंगे। ये लीजिए झटपट पकोड़े तैयार हैं, प्याज के खाइए, खिलाइए और मौज मनाइए, बरसात का आनंद लीजिए।